आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा चौकीदार की वजह से उड़ी चोरों की नींद। देश भर में सर्दी का कहर, दिल्ली में पारा 2 डिग्री तो भोपाल में 4.9। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट, सुरक्षा बलों ने मारे 4 और आतंकवादी। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को मिले विभाग, अब चलेगी कमलनाथ सरकार। झीरम हमले में चर्चित हुए कवासी लखमा बने मंत्री, मिला आबकारी विभाग। और अब बाल ठाकरे के जीवन पर फिल्म, नवाजुद्दीन बने ठाकरे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपके चौकीदार ने दिन रात एक कर दिया है, चौकीदार की वजह से कुछ चोरों की नींद उड़ी हुई है, कुछ दिनों में इन चोरों को सही जगह पहुंचाएंगे। मोदी ने गाजीपुर में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी और इसके बाद उन्होंने महाराजा सुहेलदेव पर एक डाक टिकट भी जारी किया। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गाजीपुर की यात्रा की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आपके चौकीदार ने दिन रात एक कर दिया है, चौकीदार की वजह से कुछ चोरों की नींद उड़ी हुई है, कुछ दिनों में इन चोरों को सही जगह पहुंचाएंगे। मोदी ने लाखों किसानों की कर्ज माफी के कांग्रेस के वादे पर हमला करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात कहकर वोट चुराए और पिछले दरवाजे से सरकार बनाने के बाद उनसे महज 800 किसानों को फायदा दिया। ये कैसा खेल, ये कैसा धोखा, कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद किया और उन्हें कर्जदार बनाया है। वोट बटोरने के लिए लुभावने उपायों का हश्र क्या होता है वो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिख रहा है। सरकार बदलते ही अब वहां खाद के लिए, यूरिया के लिए कतारें लगने लगी, लाठियां चलने लगी, काले बाजार करने वाले मैदान में आ गए। कर्नाटक में लाखों किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया गया था। भाइयों बहनों, ये सच्चाई समझिए, कर्नाटक में अभी अभी कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई और कर्ज माफी का किसानों को वादा किया था, लॉलीपॉप पकड़ा दिया था। लाखों किसानों का कर्ज माफ होना था और किया कितना बताऊं? बताऊं कितना किया, कितने किसानों को लाभ मिला बताऊं? आप हैरान हो जाएंगे, बताऊं? लाखों किसानों के वो कर्ज माफी का वादा किया गया, वोट चुरा लिए गए, पिछले दरवाजे से चोरी रास्ते से सरकार बना दी गई और दिया कितनों को? सिर्फ 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 800 लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गाजीपुर का नया मेडिकल कॉलेज हो, गोरखपुर का AIIMS हो, वाराणसी में बन रहे अनेक आधुनिक अस्पताल हो, पुराने अस्पतालों का विस्तार हो, पूर्वांचल में हजारों करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज गरीब से गरीब की भी सुनवाई होने का मार्ग खुला है, समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने का यह अभियान अभी शुरूआती दौर में है।
देश में ठंड एक बार फिर से कहर बरपाने लगी है और शीतलहर ने उत्तर भारत समेत कई राज्यों में लोगों को घर में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है। राजधानी दिल्ली में भी पारा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड की प्रचंडता ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। उत्तर भारत में जारी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी का असर राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तापमान में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट जारी रही। बैतूल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, यहां बीती रात न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि खजुराहो में 3 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में लगातार दूसरे दिन तापमान में गिरावट आई और ये 4.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, इतना कम तापमान कभी नहीं रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को राजधानी दिल्ली में तापमान गिरकर 2.6 डिग्री तक आ गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मौसम विभाग पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर चुका था कि शनिवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री या उससे भी नीचे तक गिर सकता है। बता दें कि 28 दिसंबर 2014 को भी तापमान 2.6 डिग्री तक पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर को भी दिल्ली का तापमान 2 से 3 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग का अनुमान सही हुआ तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। साल के अंत तक देश में ठंड का प्रकोप इसी तरह बना रहेगा। 3 जनवरी तक कपकपाती ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है। अगले आने वाले 48 घंटों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड के साथ साथ घना कोहरा तंग कर सकता है। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस को यहां के हाजिन पईन गांव में कुछ आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर शुक्रवार देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि जश्ने मोहम्मद के आतंकी एक घर में छिपे थे। जवानों ने उन्हें समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकी मारे गए। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला है। यहां कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इलाके में दूसरे दिन एहतियातन इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। शुक्रवार को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी इशफाक यूसुफ को ढेर कर दिया था। आखिरकार बड़ी जद्दोजहद के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मंत्रियों को विभाग बांट दिए। कई प्रमुख विभाग कमलनाथ ने अपने पास ही रखे हैं। सज्जन वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जयवर्धन को नगरीय प्रशासन, विजयलक्ष्मी साधो को संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा, बाला बच्चन को गृह विभाग दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह गुट के मंत्रियों को मनमाफिक विभाग न मिलने से मध्य प्रदेश के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। दिल्ली से हरी झंडी लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने थक हार के मंत्रियों को विभाग बांट दिए। मंत्रियों के विभाग वितरण को लेकर चली आ रही खींचतान, दिग्गजों की पसंद, खेमों की खींचतान और विभागों को लेकर मंत्रियों के दावों के बाद आई विभाग वितरण की सूची चौंकाने वाली रही। अधिकांश को उनकी पसंद से उलट विभाग दिए गए, लेकिन कांग्रेस को जीत का ताज पहनाने वाले मालवा निमाड़ का पलड़ा मंत्रिमंडल में भी भारी रहा। यहां के 9 मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पास औद्योगिकी, नीति और निवेश, प्रोत्साहन, जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, अप्रवासी भारतीय विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और अन्य विभाग जो किसी को आवंटित न हो अपने पास रखे हैं। वरिष्ठ मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधो को संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग, सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण और पर्यावरण विभाग, हुकुम सिंह कराड़ा को जल संसाधन विभाग, डॉ गोविंद सिंह को सहकारिता संसदीय कार्य विभाग, बाला बच्चन को गृह एवं जेल विभाग, आरिफ अकील को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
बृजेंद्र सिंह राठौर को वाणिज्य कर विभाग, प्रदीप जायसवाल को खनिज साधन विभाग, लखन सिंह यादव को पशुपालन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग, तुलसी सिलावट को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व एवं परिवहन विभाग, इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास, ओंकार सिंह मरकाम को जनजातीय कार्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, प्रभुराम चौधरी को स्कूल शिक्षा विभाग, ओंकार सिंह मरकाम को जनजातीय कार्य विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग, प्रभुराम चौधरी को स्कूल शिक्षा विभाग, प्रियव्रत सिंह को ऊर्जा विभाग, सुखदेव पांसे को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उमंग सिंघार को वन विभाग, हर्ष यादव को कुटीर एवं ग्राम उद्योग नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग, जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास एवं आवास विभाग, जीतू पटवारी को खेल एवं युवा कल्याण उच्च शिक्षा विभाग, कमलेश्वर पटेल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लखन घनघोरिया को सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, महेंद्र सिंह सिसोदिया को श्रम विभाग, पीसी शर्मा को विधि एवं विधायी कार्य विभाग, प्रद्युमन सिंह तोमर को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिन यादव को किसान कल्याण तथा कृषि विकास उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सुरेंद्र सिंह हनी बघेल को नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं पर्यटन विभाग, तरुण भनोट को वित्त एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई। नक्सलियों के झीरम घाटी हमले के बाद चर्चा में आए कांग्रेस विधायक कवासी लखमा अब छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री होंगे। लखमा का सुकमा पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में पांचवीं बार विधायक चुने गए कवासी लखमा को राज्य का आबकारी एवं उद्योग मंत्री बनाए जाने के बाद सुकमा में भव्य स्वागत किया गया। देश के पहले निरक्षर मगर बेहद काबिल नेता कवासी लखमा को मंत्री बनाए जाने पर खुद प्रियंका गांधी ने उन्हें ईमानदार नेता बताते हुए ट्विटर पर बधाई दी थी। मैं एक गांव में पैदा हुआ आदमी को कांग्रेस पार्टी ने, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पार्टी है जिस पार्टी में महात्मा गांधी पैदा हो, पंडित लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसा नेता पैदा हो, उन नेहरू गांधी परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे को मंत्री पद का दायित्व सौंपा है। और प्रियंका को मैं बस्तर के लोगों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रियंका जैसे बुद्धिजीवी लोग मेरे को तारीफ किया। और कांग्रेस पार्टी का यही असली बात है कि अंतिम व्यक्ति, चाहे गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी पंचायती राज का भी, यही अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी किया है। उसका उदाहरण मैं कवासी लखमा हूँ। मैं एक तेंदुपत्ता तोड़ने वाला, एक गोदी खोदने वाला आदमी को मेरे को पाँच बार का टिकट दिया। मैं जनता का सेवा किया, जनता मेरे को पाँच बार चुनाव जितवाया। उसी के देखते हुए राहुल गांधी ने जी, राहुल गांधी मेरे को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मैं उन परिवार को बहुत शुक्रगुजार हूँ। झिमरी घाटी में कांग्रेस के काफिले पर नक्सली हमले में जान बचाने में कामयाब रहे कवासी लखमा को बेस्ट विधायक का खिताब भी मिल चुका है। अपने निरक्षरता और मंत्री पद की जिम्मेदारियों के बीच लखमा कैसे तालमेल बनाएंगे, ये देखने लायक होगा। अनाज का गलत वजन कर किसानों को ठगने वाले सर्वेयर और तौल करने वाले मंडी कर्मचारियों का खुलासा हुआ है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा मंडी में ये लोग लगातार किसानों के साथ ठगी कर रहे थे। हालांकि अब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बक्सवाहा कृषि मंडी में भावांतर योजना के तहत खरीफ फसल के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें उड़द की तोल के दौरान किसानों से अधिक तोल करके ठगा जा रहा है, जिसमें किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। नियम अनुसार उड़द की निर्धारित तोल 50 किलो 800 ग्राम प्रति बोरी है, लेकिन मंडी में सर्वेयर और वहां तैनात कर्मचारी तोल 51 किलो 200 ग्राम के हिसाब से तोल कर रहे हैं। अरे यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, अच्छी खाने पीने के से लगा के यहाँ कोई ना पल्लेदार है, तीन दिन से यहाँ डले हैं, कोई व्यवस्था नहीं, उड़द भी नहीं तोला जा रहा है। अभी तीन दिन में अभी आज बारदाना मिला है हमको। अच्छा, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है।
इस ठगी से किसान हैरान थे। किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए तहसील जाकर इस मामले की शिकायत की। तहसीलदार ने तुरंत मंडी पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और तोल की जानकारी ली। तहसीलदार ने सर्वेयर और तोल कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। यहाँ किसानों द्वारा बार बार शिकायत की जा रही है कि उनसे अधिक उपज तोल में ली जा रही है जी। इक्यावन किलो 200 ग्राम तोल में ली जा रही है। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और जो केंद्र प्रभारी हैं उनके भी कथन अंकित किए गए हैं। उनने भी ये बात को स्वीकार किया है कि शासन के निर्देश 50 किलो बारदाना शहर 50 किलो 800 ग्राम उपज तोल में लिए जाने के हैं, लेकिन उनके द्वारा 51 किलो 200 ग्राम तोल में लिया गया है। जब मेरे द्वारा पूछा गया भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे, क्या तुम्हारी इच्छा से ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने यह बात को स्वीकार किया है कि हम जो अधिक उपज तोल में ले रहे हैं वो हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं। तो मेरे द्वारा अंकित उनके कथन भी अंकित किए गए हैं। जो तोल में जो कर्मचारी है उनकी तरफ से नियुक्त उसके भी कथन अंकित किए हैं और एक दो किसानों के भी कथन अंकित किए हैं और पंचना भी तैयार किया गया है और शीघ्र प्रतिवेदन एसडीएम महोदय को भेजा जाएगा। किसानों ने बताया कि सर्वेयर उपज में कमी बताकर अनाज को अमानक बता रहे हैं और तुलाई के लिए दो दो दिन इंतजार करवा रहे हैं। जब तक सर्वेयर को रिश्वत ना दो तब तक अनाज मंडियों में नहीं लिया जा रहा है। इस मामले की जांच की बात तो तहसीलदार कर रहे हैं, लेकिन दोषी लोगों के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्ष का सत्ता पक्ष पर हमला और सत्ता पक्ष के मंत्रियों के जवाब, ये सब एक संसदीय परंपरा का हिस्सा है। नेहरू युवा केंद्र ने बिजावर में युवा संसद के जरिए इस सब को सजीव कर दिया। बिजावर के मांगलिक भवन में युवा संसद कार्यक्रम में विपक्ष ने सरकार को घेरा और मंत्रियों ने विपक्ष के सवालों पर अपना पक्ष रखा। बिजावर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किया गया। द्वारा आयोजित आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमारा संसद और विधानसभा में कार्यवाही चलती है उसकी जानकारी युवाओं को हो, नियम प्रक्रिया किस तरीके से जो है सदन चलता है, और जो युवा लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश में जहां रहते हैं अपने आसपास उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या जो है उनके आसपास घटित हो रहा है उसको एक व्यवस्थित रूप से और नियमानुसार कैसे सरकार तक उनकी बात पहुंचे उसके लिए वो मंथन करें सदन के माध्यम से, और युवा जो है समाधान बने न कि समस्या बने, ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य। युवा संसद कार्यक्रम के माध्यम से विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, जिसमें सरकार ने अपनी योजनाओं का बखान करते हुए अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम में समृद्धि परियोजना की एजुकेटर ने पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों सदनों की बहस सुनी। इस कार्यक्रम समृद्धि परियोजना की किशोरियों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। सर्दी से बचने के लिए आग जलाना दो बहनों को भारी पड़ गया। झोपड़ी में आग लग गई और एक बहन की जलने से मौके पर मौत हो गई, दूसरी को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। छतरपुर के गुलगंज थाना के बमनीहार में एक दर्दनाक हादसे में दो मासूम बच्चियां झोपड़ी में आग लगने से जल गईं। इनमें से एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इन दोनों बहनों ने ठंड से बचने के लिए जैसे ही आग लगाई झोपड़ी में आग पकड़ गई और यह हादसा हो गया। ये दोनों बच्चियां आपकी थी? कितने बजे घर से आई थी? 3 बजे। कौन लेके आया था? भाई लेके आया था। आपको कैसे सूचना मिली कि आग में जल गई आपकी बच्ची? मैं भी आ गई थी। अच्छा, उस समय बच्चियां झोपड़ी में थी। मौके पर पहुंचे, देखा तो एक घास फूस की झोपड़ी बनी थी, तो उसमें बच्चियां अंदर लेटी हुई थी। उन्होंने आग जलाई और उन्हीं के हाथ से आग लग गई है। उसमें दोनों बच्चे जल गई है, एक बच्ची छतरपुर रिफर हो गई है जिसका इलाज चल रहा है और एक बच्ची स्पॉट पर खत्म हो चुकी है। दोनों बहनें ठंड से बचने के लिए झोपड़ी के मुहाने पर आग लगाकर झोपड़ी के अंदर बैठ गई, तभी आग तेज हो गई।
और लपटों ने झोपड़ी को अपने आगोश में ले लिया, जिससे दोनों बहनें चीखती हुई उस आग में जल गईं। हालांकि आग जलते देखकर इन बच्चियों का मामा मौके पर आया, तब तक एक बच्ची की मौत हो चुकी थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की जिंदगी पर बनी फिल्म ठाकरे का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म में बाल ठाकरे का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी निभा रहे हैं। बाल ठाकरे की बायोपिक से राजनीतिक विवाद शुरू होने की आशंका है। ठाकरे का ट्रेलर बताता है कि फिल्म जबरदस्त है। इसकी शुरुआत मुंबई दंगों से होती है। इसके बाद बाल ठाकरे के किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिखाई पड़ते हैं। बाद में बाल ठाकरे के जीवन की शुरुआती जीवन को दिखाया जाता है। बाल ठाकरे ने कैसे मराठी मानुष का आंदोलन खड़ा किया, कैसे राजनीति में प्रवेश किया और कैसे शिवसेना की स्थापना हुई, बाबरी मस्जिद को लेकर बाल ठाकरे क्या सोचते थे, उनके जीवन की तमाम यात्राओं को ट्रेलर में दिखाने की कोशिश की गई है। आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। ठाकरे में नवाज का लुक और सिनेमेटोग्राफी प्रभावशाली है। पूरे ट्रेलर में सिर्फ नवाजुद्दीन छाए रहते हैं। यह फिल्म नवाजुद्दीन के लिए एक चैलेंज जैसी रही। बाल ठाकरे को समझना और किरदार में उतरने के लिए नवाज को काफी मशक्कत करना पड़ी, लेकिन वो इसमें कामयाब नजर आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।